हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि के नाम वाले जातक एवं बी नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, आखिर वो बंधन कैसा रहेगा? दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एवं वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, के नाम वाले जातक एवं बी नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता की कमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी की बातों से, उनके विचारों से ज्यादा सहमत नहीं होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने अपने विचारों को, अपने अपने दृष्टिकोण को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम बी नाम वालों की बात करें तो बी नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं एवं ये हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बेहद आशावादी होते हैं। अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं। लेकिन इसके अलावा बी नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा हठीले होते हैं एवं ये अपने जिद के सामने में, अपने हठ के सामने में किसी और इंसान की बातों को, किसी और इंसान की आवश्यकताओं को ये महत्व नहीं देते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम के नाम वालों की बात करें तो के नाम वाले जो भी जातक होते हैं ये हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तनशील होते हैं। इनको अपने जीवन के यात्रा में जोखिम उठाना, रिस्क लेना बहुत ज्यादा पसंद होता है एवं ये कभी भी अपने जीवन में कोई भी जोखिम लेने से, कोई भी रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। मित्रों, के नाम वाले जातक एवं बी नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो फॉर यू को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में अपने इष्ट देवता का नाम आप अवश्य कमेंट कर दे एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दे। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।